Hello, hi, good morning, and welcome to my channel. हम तो इन चोली है देखो आज बिना नहाए सो गई है अभी ना उड़ जाएगी तब नहीं लाऊंगी इसको मैं अभी ऐसे सुला दिया सो अभी बज रहे हैं सुबह के कितने बज रहे होंगे 12 समथिंग बज रहे होंगे मैं नहा धो के रेडी हो गया मैंने अभी भी खाई है खीर मौसी ने बनाई थी तो वो खाई है मैं सॉरी आपको नहीं दिखाया और क्या कुछ है ही नहीं यहाँ पे आराम 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 है भैया नानी के आए हैं मामी करती करती हैं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कुछ करने ही नहीं देता कोई और बस सुबह नाश्ता कर लिया था और अभी नीचे बुला रहे हैं खाना खा लो सो मैं सोचूँ 10 उठ जाए उसको भी नहला लूँ तभी खाना वगैरह खाऊँ अभी ना खाऊँ है ना मैं कैसे लग रही हूँ बताना सर कॉमेंट करके ठीक है बताइएगा ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ और मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी मैंने वैसे टेनी की वीडियो में ऐड करी है टेनी का चैनल सब्सक्राइब कर लो गाइस क्यूटी ट्रूबी प्लीज़ टेनी के चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला है ब्लॉग वीडियो उसमें आपको देखने को मिलेगा वैसे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ कि मैं मंदिर करती हूँ उसी टाइम टेनी मुझे बिल्कुल डिटो कॉपी करती है वैसे टेनी की हैबिट है वो हर चीज़ में मुझे कॉपी करती है हर चीज़ में चाहे वो कुछ भी हो सो बस टेनी उड़ जाए उसको नहला दो तब तक आप वो क्लिप इन्जॉय करो ठीक है मैं उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ देखते हैं ब्लॉग हो पाता है कि नहीं मुझे खोजना पड़ता है टॉपिक क्या क्या ब्लॉग करना है आज क्या नहीं करना है क्या एंड ऑल सो चलिए स्टार्ट करते अपना डे ओके नेल पेंट रिमूव और चेंज कुछ नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एक भी नेल पेंट्स नहीं है मैं लेके ही नहीं आई और मुझे इतना आइडिया नहीं था इतने दिन तक रहना है सो अभी तो मैं हूँ 2-3 दिन हो गई यहाँ पे ठीक है चलिए मिलते बाद में इधर आओ आप ना ले क्या करना है क्या करना है क्या बोलो क्या कहती मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो क्या 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 नानी के ही कपड़े बोलिए मेरा बच्चा तो छप जाता है हाय गाइस बोल दो एक बार सबको बहुत मिस करते हैं हाँ वो मम्मा के आपको सब मिस करते हैं हाय गाइस बोल देना हाँ ये भी मम्मा के हाय गाइस बोलो ना टेनो बोला हाय गाइस फिर बात खाने चलेंगे जल्दी बोलो हाय हाँ वो भी है बोला हाय गाइस तेनु नहीं नहीं कर ले गुन्ना ले 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 कर ले बोला हाय गाइस नहीं बोलोगी मैं बाहर खिलाने ले जाऊंगी हाँ चलो चलो क्या हाँ नाना नाना की है और हाय बोल दो ना प्लीज अरे अपनी अपनी बातों में बिजी है करने जा रही हूँ अपना मेकअप यस इवनिंग मेकअप तो इवनिंग में मैं कुछ नहीं मतलब अभी मैरिड वुमेन है तो हर मैरिड वुमेन यही करती है हर मैरिड वुमेन यही करती है जो मैं कर रही हूँ तो मैं यहाँ सबसे पहले यानी कि
कि शाम को तैयार होके रहना, अच्छे से बन ठन के रहना। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया तुम इतना मेकअप क्यों करती हो, ये क्यों करती हो, इतना हैवी डार्क। मुझे अच्छा लगता है, मैं इसलिए करती हूँ। अगर बहुत लोग हैं ऐसी लाइफ में इस वर्ल्ड में जिनको ये सब अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है, और मैरिड वुमेन को खास करके इस तरीके से अच्छे से टचअप वगैरह करके, मेकअप वगैरह करके रहने से अच्छा लगता है, और एक हस्बैंड पे भी इम्प्रेशन बनता है अच्छा। बट मेरे हस्बैंड तो यहाँ नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा बात ना करते हुए बताती हूँ, गुड वाइब्स का लेवेंडर मिस्ट। सो लगा रही हूँ मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अपने नेक पर भी कर लूँ। इसको मैं हल्के हल्के हाथ से अपने स्किन में अब्सॉर्ब होने दूँगी, और 5 मिनट्स के लिए अपना फेस को इसी तरह से छोड़ दूंगी। इजी मेकअप, कुछ ज़्यादा हैवी नहीं करूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लोग बोलते हैं मैं बहुत हैवी मेकअप करती हूँ, मैं बिना फाउंडेशन का अपना मेकअप करती हूँ। जो डेली मेकअप जो होता है मेरा, बिना फाउंडेशन का करती हूँ, पता है। जैसे ये मेरा स्किन में अब्सॉर्ब हो गया, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी SPF 30+ की VLCC क्रीम। और आप गर्मियों में हो सके तो, अगर आपको दिखाना है जैसे लाइट मेकअप या कुछ भी, तो जरा सी बस BB क्रीम या CC क्रीम लगा लीजिए, चाहे तो सनस्क्रीन लगा लीजिए। तो मैं सनस्क्रीन SPF 30 की तो लगाइए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम इतना तो लगा ही सकते हैं, SPF 30 की मिल जाए, 50 की मिले ना मिले, तो जस्ट डॉट डॉट करके इस तरीके से लगा के इसको अच्छे से अपने स्किन में डैब कर लूँगी मैं। है ना, इस तरीके से। अभी आप लोग देखिएगा, आप लोग बोलते हो ना मैं मेकअप क्या करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको लाइफ क्या मेकअप करती हूँ। उसके बाद अगर मुझे लिप बाम लगाना है तो लिप बाम लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं कोई भी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये मेरी शॉप से ली हुई है, सो इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी। अब ये चौथी चीज़ है जो है मेरे पास, NYB का कॉम्पैक्ट। जो भी मैं चीज़ ऑनलाइन वाली यूज़ कर रही हूँ उनका मैं लिंक दे दूँगी। तो जस्ट इसको इस तरीके से लेना है, और हल्का सा जस्ट डैब कर लूँगी, ताकि मुझे ये मेरा सनस्क्रीन से क्या होता है कि हमारा जो मेकअप होता है वो थोड़ा ना थोड़ा सा शाइन, मतलब ऐसा लगे केकी ना लगे, केकी टाइप ना लगे, पैची ना दिखे, और ज़्यादा ऑड ना लगे। तो जस्ट हल्का सा ये डैब करके लगा लिया, बस हो गया। अभी मुझे सिर्फ 2 चीज़ लगानी है। फर्स्ट है मेरी जो होती है, जो मेरी बेबी निकाल देती है। हाँ, मुझे क्वेश्चन आया था मैंने अचानक बिंदी लगाना क्यों छोड़ दिया। मैंने बिंदी लगाना नहीं छोड़ा, मैं बिंदी लगाती हूँ और एवरीडे सुबह नहाने के बाद लगाती हूँ। बस जो मेरी बिटिया रानी है ना टैनी, वो उसको निकाल देती है मेरी बिंदी को, उसको बोलती है हाना, पता नहीं कहाँ से सीखी वो हाना। तो और मैं बेटी से याद आया, मेरी बेटी का भी चैनल है क्यूटी ट्रूबी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय बेबी चैनल। ये स्लीवी का सिंदूर है, लिक्विड सिंदूर, और ये मैंने एक शॉप से ख़रीदा था। तो बस ये हो गया, और बस मुझे छोटी बनानी है अपनी, और हो जानी है मैं रेडी। बस इतना सा मेकअप है, ज़्यादा करना है तो काजल लगा लो, आईब्रो फिल कर लो, बस ऑल डार्क हो जाएगा। थोड़ा सा डार्क करना है तो मुझे अभी काजल नहीं लगाना है ना आईब्रो फिल करना है, मुझे इतना सा ही करना है। अभी मैं छोटी करके आपसे मिलती हूँ। लो भैया, छोटी इज़ डन, माय लुक इज़ डन। इसके अलावा मैं सिर्फ काजल लगाती हूँ ज़्यादा, और आईब्रो फिल कर लेती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसमें भी लोग बोलते हैं बहुत मेकअप है, नो मेकअप, ठीक है, यही रहता है मेरा मेकअप। Thank you.
ओके सो हम आए हैं छत पे बहुत दिन बाद, और यहाँ देखिए आपको हर तरफ सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, क्या मंकी। और बंदर ऐसे देखते ना कि फटाक से आके ले जाएंगे फोन हाथ से। मंकी दूर दूर तक देखिए, सिर्फ क्या देखेगा मंकी, वो देखिए वो। और वहाँ देखिए मंकी, यहाँ तो मतलब बंदर इतना, इधर भी देखिए सिर्फ बंदर ही बंदर दिखेंगे। इतने बंदर हैं कि नानी बता रही थी आज सुबह कि मौसी मेरी छोटी थी, सपना मौसी, उनको उठा के ले गए थे, पता है वो बहुत छोटी थी और ऐसे ऐसे लेके घूम रहे थे। ये देखो कहाँ बैठी है टेनू, और टेनू की एक छोटी मौसी। सो हम लोग आए छत पे, बहुत दिन बाद आए हैं, क्योंकि मैं नहीं आती इधर, हम शाम को टहलने निकल जाते हैं उधर कोठी। नहीं चमा उधर मत खड़ी कर, ये झोंका लेगी तो बेटा नीचे गिर जाएगी। नहीं नहीं नीचे उतार दो, नीचे उतार के खिलाओ। सो ये देखिए इधर से ये मंदिर की टॉक दिखती है, इधर मंदिर दिखता है ना, और ये बड़ा मंदिर है। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये अभी नया मंदिर बना है, तो इधर से दिखती है छोटे मंदिर की टॉक, ये देखिए है ना। और यहाँ से अराउंड मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे मेरे पूरा मार्केट दिखता है, पूरा मार्केट लाइक पूरा ऑल जो भी यहाँ मार्केट है, क्योंकि मेन रोड पे ही दुकान है, तो पूरा इस तरीके से मार्केट दिखता है। ये देखिए तो सब लोग देखते हैं ना छत पे ऐसे आने से, क्योंकि शाम नहीं पड़ती, एकदम अजीब लगता है। ये देखिए ये गली में एंटर करते हैं, ये फर्स्ट घर है हमारा, यहाँ पे मतलब मेरा नहीं नानी का है ऐसा, ठीक है। ये देखो मैं तेनू दो दो पोनी करके घूम लिया है। हाय चूना, कैसी हो मेरी बच्चा, अरे अच्छी हो, आती हो नहीं हो अच्छी, चप्पल देखो क्यूटी क्यूटी जी कहती पहन के घूम रही है, छोटू छोटू जी दिखा दो भैया, भैया दिखा दो, अरे मेरा बच्चा, चप्पल दिखा दो सबको, चप्पल आपकी स्लीपर्स दिखाओ, गिर जाओगे आस्ते आस्ते, अच्छा मत दिखाओ मत दिखाओ, भागो नहीं, इसका मुझे बहुत डर लगता है, दिखाओ। वाओ वेरी ब्यूटीफुल टी, क्यूटी, कौन है क्यूटी, अपने आप को क्यूटी, बहुत ज्यादा। ये देखो छोटे छोटे से बंदर वहाँ खेल रहे, छोटू छोटू से तुत्तू से बंदर। और जब ये किसी आते हैं ना, मतलब पूछे मत, हाँ बेटा हाँ आ जाओ, वहाँ भी आ रही मंकी आ जाएगा, देखो मानी कितने सारे मानी है। ओ टेनू को तो यहाँ पे नया चीज़ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ही नहीं है, ऐसा कुछ मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है ना उधर कोलकाता के साइड। अच्छा चलिए अब हम अपने बात पे आते हैं, लोग बोल रहे हैं कंटेंट नहीं है, कुछ लोग बोल रहे हैं बात, बाकियों को तो हाँ बेटा सभी उधर खिला ले, बंदर खिला ले, गोदी में ले लो। तो कुछ लोग बोलते हैं कंटेंट नहीं है, आखिर होता क्या है ये कंटेंट, मुझे ये बता दो। कंटेंट ये होता है कि मान लीजिए कि मैं बेबी का दिखा रही हूँ, तो आपको सिर्फ बेबी बेबी का दिखा रही हूँ। कंटेंट ये होता है कि मैं अपना घर चेंज कर रही हूँ, तो सिर्फ उसी उसका दिखा रही हूँ, वो कंटेंट होता है। तो एक ही चीज़ आप लोग ये सोचिए, अगर मैं एक ही चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, क्या आप लोग बोर नहीं हो जाओगे, क्या मैं बोर नहीं हो जाऊंगी। आई नो कंटेंट ये होता है कि हमारे पास कंटेंट है, ये हमारा कंटेंट हर वीडियो के लिए चाहिए होता है, ये नहीं होता है कि हम यूट्यूबर बन गए तो एक कंटेंट से हम पूरा यूट्यूब चला लेंगे अपना, मतलब जब तक हम यूट्यूब पे एक्टिव हैं तब तक चला लेंगे, ऐसा नहीं होता। हर वीडियो के लिए हमें कंटेंट चाहिए होता है, हर वीडियो के लिए कंटेंट, लाइक कि हाँ हमने ये दिखाया, ये बताया, ये सब कंटेंट है। जो लोग सोचते हैं ना कि प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे हैं भैया, तो प्रेगनेंसी चल रही है, और यदि हम बता रहे हैं कि हाउस चेंजिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करो। अगर जिन लोगों को लगता है कि ये कंटेंट है, तो गाइज ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये कंटेंट हो। एंड सेकंड मैं आपको बताऊं कि हाँ अभी मैं घूमने आई हूँ, आपको नई चीज़ें मिल रही हैं देखने को, नई चीज़ जगह दिखा रही हूँ आपको। अगर ये भी नहीं अच्छा लग रहा तो मैं और कुछ नहीं बता सकती। एंड आई नो अभी कुछ मुझे आप लोगों का क्या, मुझे खुद लग रहा है कि मेरे ब्लॉग्स कुछ फीके जा रहे हैं, जो लोग मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो उधर ध्यान दे बेटा कि व्लॉग्स कुछ फीके हो रहे हैं। आई नो मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ अपनी मिस्टेक, बट गाइस देखो मैं दूसरी जगह हूँ, वहाँ पे मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। कोशिश
अच्छी है, कर रही हूँ मैं अपना। दूसरी हम जगह जाते हैं तो अपना वही दिखा पाते हैं जो हमें दिखाना होता है थोड़ा बहुत, बस इससे ज्यादा हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। क्षमा इसको पकड़ के रखना, मालूम बड़ा बंदर आया भाग भी नहीं पाएगी वो। मैं बैठ जाती हूँ, लोग बोलते हैं बैठ के बात क्या करो, पूरा घूम जाता है। ठीक है, तो कंटेंट ये नहीं होता जो आप लोग सोचते हो, कंटेंट यही होता है हमें हर वीडियो के लिए कुछ ना कुछ न्यू देखना होता है ताकि लोगों को अच्छा लगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ गाइज, मैं सच में इतनी कोशिश कर रही हूँ कि अब कुछ मत छू ना, वो सो चुके हैं प्लांट्स, कि मैं अपना अगर दिल निकाल के भी रख दूँ ना तो कुछ लोगों को तो वो भी नहीं समझा पाऊंगी कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। एंड पर छोड़िए, नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने बिंदी को बताया, कुछ लोग बोलते बिंदी छोड़े, बिंदी को टहनी हाना बोलने लगी है और उसको दिख जाए ना बस छोड़ेगी नहीं मेरे माथे। क्या क्या आपने प्लांट को तोड़ लिया? प्लांट निन्नू कर ले हैं। हाँ। तो हमने क्यों तोड़ा? उसको लग गई चोट, लग गई उसको। हाँ। उसको चोट लगा दिया आपने। हाँ। क्यों तोड़ा? लग गया ना उसको, क्यों लगाया आपने? सॉरी बोलो अभी उससे, सॉरी बोलो प्लांट से, सॉरी बोलो, दोनों कान से बोलो, दोनों कान पकड़ो, छोली ये छोड़ दो, सॉरी बोलो, बोले मेरे कुत्ते पार बच्चों छोटा चा, निन्नी कर रहे हैं। कैसे निन्नी करते हैं? निन्नी कैसे करते हैं? निन्नू कैसे करते हैं? तेनो हाँ। तो गाइस मैं बस आप लोगों से इतना ही बोलना चाहती हूँ, देखिए मैं बातें बातें कर रही हूँ, मैं समझ रही हूँ आप लोग क्या चाह रहे हो, कुछ मसालेदार चाह रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मैं अपना एक होता है ना जैसे बोलते हैं लाइक कर दो, जिससे का हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट रहोगे और मुझसे डिमांड करोगे ये दिखाओ वो दिखाओ तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूंगी कि जितना दे रही हूँ मैं उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा दे पाऊँ, अपना बेस्ट से भी बेस्ट दे पाऊँ। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हो इस चीज़ को लेके। और कोई कुछ लोग, एक बंदर कैसे अंगड़ाई ले रहे हैं, लेट गया टीन पे जाके, कुछ लोग तो बस पूछो मत कि ऐसे हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ते हैं, पूछो मत। और मैंने ये भी देखा है कि कुछ कुछ यूट्यूबरों के सेम टाइटल रहते हैं कि गवार है ये है, गवार है ये है, मतलब ये हेटरों का काम ही होता है कि सबको ही ऐसा बोलना, और ये लोग अपने आप को समझते हैं मिस्टर परफेक्ट एंड मिसेस परफेक्ट। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, ना ये मिस्टर परफेक्ट होते हैं ना ये मिसेस परफेक्ट होते हैं, दूसरों को बुरा बोलते हैं ये लोग। ठीक है, सो गाइज इन लोगों को, जिन लोगों को समझ में आता है तो आ जाए, नहीं आता नहीं आए, बस कुछ टाइम लगेगा, चटपटे ब्लॉग मिलेंगे, न्यू हाउस देखने को मिलेगा और नई नई चीज़ें मिलेंगी। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए, अब वो होने के ऊपर डिपेंड है, नहीं हो पा रहा तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। सो चलिए तेनू बाय बोल दो, बाय बोल दो, छमी बाय बोल दो, बाय तेनू आप भी बोल दो, लव यू लव यू बाय। मैं तो पा कर दे रहा हूँ सबको, पाए कर दो, पा कर दो, बोले बच्चा देखा वहां से बगी हुई आई है तो फिर आ गई, क्या क्या कुछ कह रही है आप लोगों से। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मेरी बात को समझिए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, और अगर समझ में आ जाए तो प्लीज़ थैंक यू, लाइक कर दो इस वीडियो को और कमेंट करके बताना ज़रूर कि मैं ऐसा करूँ क्या जिसे इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, बाकी की मेरी कोशिश रहेगी, आपका अगर साथ रहा तो मैं बहुत आगे तक जाऊँगी और बहुत अच्छा करूँगी, और भगवान का सपोर्ट रहा तो, क्योंकि वो तो भैया ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही है। ठीक है, सो चलिए गाइस बाय, आई होप अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। बंदा